दोस्तों, आज की वीडियो इंसानियत। बारिश का मौसम था और एक पिता अपने 7 साल के बच्चे को दोपहर के समय में स्कूल से लेकर आ रहा थे। पिता और वो बच्चा दोनों सड़क पर पैदल जा रहे थे। तभी चलते चलते पिता ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हें आज स्कूल में टीचर ने क्या करवाया? तभी बेटे ने पिता से कहा कि पापा, आज इंग्लिश के टीचर ने हमें नैतिक शिक्षा मॉरल साइंस दी और टीचर ने हमें ये भी कहा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। टीचर ने हम सभी को ये भी कहा है कि घर जाकर किसी न किसी व्यक्ति की मदद जरूर करना और कल आकर बताना कि तुमने किसकी मदद की है। पापा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। दोनों चलते जा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई। पिता के पास से 2 छाते थे। पिता ने एक छोटा छाता अपने बेटे को दे दिया और एक बड़ा छाता खुद इस्तेमाल करने लगे। वो दोनों बारिश का मज़ा लेते हुए घर की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में बच्चे ने देखा कि सड़क के किनारे एक कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ है। बारिश में भीगने की वजह से उस कुत्ते के बच्चे को ठंड लग रही थी और वो कांप रहा था। वो बच्चा भागकर उस कुत्ते के बच्चे के पास जाता है और अपना छोटा छाता उसके सर पर रख देता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को डांटने लगते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, तुम भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो बच्चा अपने पिता की एक नहीं सुनता है और अपना छाता उस कुत्ते के बच्चे के सर पर तब तक रखा रहता जब तक बारिश रुक नहीं जाती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और वो बच्चा अपना छाता उस कुत्ते के बच्चे के सर पर से हटा देता है और अपने पिता से कहता है कि पापा, मुझे टीचर ने जो होमवर्क दिया था वो मैंने कर लिया। इतना बोलकर बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा, ये कुत्ता अगर ऐसे ही सड़क पर रहा तो मर जाएगा, क्यों ना हम इसे अपने घर ले चलें। उसके बाद अपने बेटे का ऐसा जानवरों के प्रति अच्छा भाव और इंसानियत देखकर पिता का दिल पिघल जाता है और वो कहता है, क्यों नहीं, हम इसे घर ले जाते हैं, और इसके साथ हर रोज़ खेलने लगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।